बुलंदशहर के खुर्जा में सब्जी मंडी व्यापारी और सिकंदराबाद के सिरोधन गांव में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर जनपद में 78 हो गई है। जनपद में दो हॉटस्पॉट बढ़कर 16 हो गए हैं। साथ ही कोरोना पॉजिटिव खुर्जा का मंडी व्यापारी होने के कारण सब्जी मंडी को सील कर सैनिटाइज करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उसके संपर्क में आए सभी व्यापारियों को क्वारंटाइन करने की कार्यवाही के साथ सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये बुलंदशहर की खुर्जा मंडी है। कल शाम यहां एक थोक सब्जी व्यापारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। सब्जी व्यापारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर खुर्जा की पुलिस और तहसील प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हो गया है। खुर्जा प्रशासन ने मंडी को सील करने की कार्यवाही करते हुए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए मंडी व्यवसायी की सूची बनाना भी शुरू किया है। शाहिद सब्जी बेचते हुए सब्जी फसल तो क्या आदेश मिले हैं आज प्रशासन की तरफ? प्रशासन की तरफ से ये मंडी में मिला आदेश ही मिला कि मंडी खाली कर दें जल्दी सर, और कल से मंडी नहीं खुलेगी। वजह ये है कोरोना को पॉजिटिव मिला गया है, इसकी वजह से मंडी बंद करने को खाली करने का आदेश मिले हैं। जानकारी कुछ नहीं दी है अभी, बस इतना क्या है कि अपनी मंडी अपना माल उठा के ले जाएं और जल्द से मंडी खाली कर दें। ये मंडी समिति की जो हैं सच्ची साहब, उन्होंने ऐलान लगा दो, जीव अंदर ऐलान लगाती है। फील्ड हो गई और कल जो है क्वारंटाइज होगा पूरी मंडी, सफाई वफाई होकर के उसका अधिकारी जैसे कहेंगे निर्देश देंगे। अब फिलहाल जो है हम खाली करके तो जो है इसको सील्ड करने का आदेश हुआ है। कच्चा माल है इसलिए फंसा पड़ा है, इसलिए हम थोड़ा निकलवा दे रहे हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। मंडी सचिव मुद्रिका सिंह की माने तो मंडी को खाली कराकर सील किया जा रहा है, जबकि उच्च अधिकारियों के अग्रिम आदेश तक मंडी को सील ही रखा जाएगा। गौरतलब है कि पॉजिटिव आए मंडी व्यापारी समेत खुर्जा में अब कोरोना मरीजों की संख्या 2 हो गई है, जबकि जनपद में इसकी संख्या बढ़कर 78 तक पहुंच गई है। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 हो गया है, जबकि एक निजी चिकित्सक की मौत हो चुकी है। बुलंदशहर में अब तक कुल 21 कोरोना के मामले उपचाराधीन हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।